अभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी। जो घटना घटी है बरेली में, जहां पर अक्सर ही सोशल मीडिया से लेकर जो है तमाम फिल्मों में आपने बरेली शहर के चर्चे सुने होंगे। साफ तौर पर यहां पर कहीं ना कहीं झुमका गिरा रहे बरेली में, और बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत दीवा प्रियंका चोपड़ा का नाता भी बरेली से बेहद ही खास है, क्योंकि बरेली कहा जाता है कि उनका होम टाउन है। अब ऐसे में बरेली अब इन दिनों काफी ज्यादा ही सुर्खियों का कारण बन गया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा के कारण। मिश्रा परिवार यानी कि पंडित परिवार से होने के बावजूद भी साक्षी मिश्रा ने जिस घटना को अंजाम दिया है, वो यकीनन ही यहाँ पर सवालों को उठा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है साक्षी मिश्रा ने जब भाग के अजितेश से शादी की, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया कि सवाल इन दोनों के पहले प्यार पर उठे। उसके बाद साक्षी ने भाग कर शादी करने के बाद चुप्पी को नहीं साधा, वो फौरन ही मीडिया से अपनी मदद की गुहार लगाती देखी गई। यहाँ पर साक्षी मिश्रा के साथ आपने तमाम बारी टेलीविजन स्क्रीन पर, तमाम मीडिया चैनल्स पर, आपने न्यूज चैनल पर आपने साफ तौर पर देखा होगा कि इनके पति अजितेश भी यहाँ पर मौजूद रहे। अब ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है साक्षी मिश्रा अजितेश से शादी करके काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि हाल ही में साक्षी मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर को साझा किया है। जो तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, शादी के बाद जिस तरीके से साक्षी मिश्रा ने अजितेश को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है, वो यकीनन ही यहाँ पर आप सभी को हैरान कर देगा। और हम वो तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि ये इंस्टाग्राम के पेज पर उन्होंने लिखा हुआ है, जहाँ पर साक्षी नीचे ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है, शख्सियत महाकति है हमारी, अभीस टाइगर ब्लो कैंडल ऑन 9th October कैमरा एडिक्ट। यहाँ पर पति के नाम पर, जो जिनका नाम अजितेश है मगर उन्हें अभी भी कहा जाता है, और अभी टाइगर उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, और अपने नाम को भी उन्होंने चेंज कर लिया है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर सीनू अभी 09 लिखा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं साक्षी मिश्रा ने जो काम किया है वो यकीनन ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो काम काफी ही बहादुरी का रहा है। और कहीं ना कहीं साक्षी मिश्रा को लेकर अब जो है देश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, क्योंकि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है और अपने प्यार से शादी करना में भी कोई गलती नहीं है, मगर आप जिस प्यार से प्यार करते हैं, आप अपने माँ बाप से भी तो कभी प्यार करते थे, कभी मोहब्बत आपने अपने माँ बाप से भी की होगी, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उन माँ बाप का अपमान आप कैसे कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर साक्षी से ये उठ रहा है, भाग कर शादी की तो चलिए एक बारी को इग्नोर किया जा सकता था, मगर यहाँ पर न्यूज चैनल पर बैठकर साक्षी मिश्रा ने अपने पिता राजेश मिश्रा, अपनी माँ, अपने भाई, अपने पूरे परिवार पर जितने गंभीर आरोप लगाए हैं, वो यकीनन ही सवालों को उठा रहे हैं, क्योंकि साक्षी मिश्रा ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि उनका परिवार उन्हें पढ़ने नहीं दे रहा था, और जिसके चलते जो है वो अपने परिवार से खुश भी नहीं थी। अब ऐसे में अगर हम इनके पिता राजेश मिश्रा की बात सुने तो उनका कहना है कि मेरी बेटी जहां भी रहे वो खुश रहे, मगर यहां पर साक्षी का कहना है कि उनके पिता जो है उनकी तरफ से उन्हें तमाम तरीके की धमकियां सामने आ रही हैं, उन्हें डर है और जिसके लिए उन्हें एक प्रोटेक्शन भी चाहिए, यानी कि यहाँ पर साक्षी जो है जिस तरीके से इस गेम को खेल रही है, वो यकीनन ही उन्हीं पर ही सवाल उठते अब देखे जा रहे हैं।